हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम महिंद्रा की पुरानी थार को देखने वाले हैं, जो कि नई वाली थार को टक्कर देती है बराबर में। पहले इसे मेजर नाम से जाना जाता था, जो कि आप देख रहे होंगे। ये 2010 की है मेजर भाई, 4x4 के अंदर भी इसे हम आराम से कन्वर्ट करा सकते हैं आफ्टर मार्केट से। इसमें 5 गियर मैनुअल गेयर बॉक्स आता है इसके अंदर भाई। ये पूरी ओपन है, मतलब ये 3 डोर ही आती है। ये भी 2 फ्रंट में से और एक दो तो फ्रंट के डोर हो गए और एक रियर का डोर हो गया। ये जो आपको दिख रहा होगा CL550 MDI है इसका। मतलब यहाँ पर भी ये एडिशनल प्लेट लगवा रखे हैं, मतलब पीछे पीछे ट्रॉली व्रोली, मतलब व्यूज़ मिले तो। मतलब इस पर कर्टन लग रखा है, मतलब ऊपर की तरफ ब्लैक वाला, ये वाला ये खुद के हिसाब से मॉडिफाई करा रखे हैं। देखो जैसे ऊपर की तरफ लैंप लगा रखे हैं दो हैलोजन। फ्रंट से बात करते हैं, फ्रंट में हमें लोहे की ग्रिल देखने के लिए मिल जाती है, जो कि प्योर आयरन की है। और ये फ्रंट पे दो हैलोजन हेडलैम्प देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि अभी भी नई वाली थार में भी यही आ रहे हैं अभी, बस उनकी साइज छोटी कर दी होगी। और ये टर्न इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाते हैं हमें। और इसकी टायर साइज है, फ्रंट इसकी टायर साइज देखने के लिए मिल जाती है हमें 185 R 16 इंच का टायर है इसके, जिसमें टॉप मॉडल में हमें अलॉय, इसमें टॉप मॉडल वॉडल कुछ ही नहीं आता वैसे तो, बेस मॉडल ही आता है इसमें तो, जिसमें हमें स्टील रिम देखने के लिए मिलते हैं। अब नई वाली में यहाँ पर महिंद्रा लिखा हुआ रहा है ना फ्रंट पे, जैसे कि आप देख रहे होंगे नई वाली में थार लिखा हुआ आया था यहाँ पर। और ये यहाँ पर जितना भी गैप था ना उसको पूरे के भर दिए यहाँ पर। और ये वाली टेक्नोलॉजी तो पहले से चली आ रही है, मतलब खींचने पर अनलॉक होती है। और ये पैरों को, मतलब पैर के लिए आते हैं ना लेग वेंटिलेशन के लिए, यहाँ पर मतलब पैर से लेके ऐसे पुश करके जहाँ से खुल जाता है। ये वाला इसका देसी फीचर है, रबड़ की सील लगा रखी है, जिससे क्या है हवा वैसे पास ना हो। फ्रंट ग्लास में हमें 2 वाइपर देखने के लिए मिल जाते हैं, और पानी के लिए एक मिल जाता है ये वाला। चलो अभी ये इसकी साइड ORVM देखने के लिए मिल जाते हैं, रियर ORVM, जहाँ पर की इंसर्ट होती है। मतलब इसका फ्रंट ग्लास भी बाहर की तरफ निकल जाता है आराम से। मतलब अभी इसे हम फोल्डेबल है, मतलब अपन चाहे तो खोल सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ है इसका इंटीरियर। ये पूरा खुला, मतलब अपने हिसाब से मॉडिफाई है। छत पर कर्टन लगा रखे हैं, देखो कर्टन लगा होता है। और ये रूफ लैंप है इसका, LED लगा रखे हैं यहाँ पर, LED इंसर्ट कर रखे हैं। वैसे तो हैलोजन नहीं आता ये अभी, ये खुद के हिसाब से LED इंसर्ट कर रखे हैं। ये इसका ग्लव बॉक्स आता है यहाँ पर स्टीरियो बॉक्स आता है। ये तो अपने देसी रूप में बना लेते हैं सब अपने, मतलब यही यहाँ हमारी तरफ से ऐसे ही चलते हैं। और ये क्लच है, ये ब्रेक है, और ये रेस है। ये इसका स्पीडोमीटर है, जो कि 140 की टॉप स्पीड बता रखा है इसके अंदर। 25,000 किलोमीटर रन कर चुकी है अभी तक। ये 2010 मॉडल है, और ये इसकी MID स्क्रीन है यहाँ पर, ये इसी की तो दीवानी है ये भाई। कितने फीचर दे रखी है, इससे ज़्यादा फीचर तो कहाँ मिलेंगे। अब ये इन लोगों पर ये फ्रंट ग्लास अटका हुआ है, और ये इसका IRVM है, मतलब पीछे का रियर भी देखने के लिए है। इसमें जंग लगना भी तो, रस्टिंग पकड़ने लग गई अभी तो, 2010 मॉडल है वैसे तो, कहाँ पकड़ेगी अभी भाई। ये पाइप लगा रखा है, मतलब ऐसे मॉडिफाई भी करा सकते हैं अपने हिसाब से, मतलब पीछे जैसे टेढ़ा पाइप लगा के ऐसे यहाँ से मस्त। बहुत बढ़िया जीप है यार, बैठने की इच्छा है। और ये नीचे रस्ट न लगे, इस कारण इन्होंने यहाँ पर वो लगा रखा है फाइबर। मतलब हमारी तरफ चलता ही है, मतलब बोलेरो ऐसी कारों में फाइबर लगा देते हैं नीचे की तरफ। ये इसका साइलेंसर दे रखा है यहाँ पर, और ये टैंक है इसका, फ्यूल टैंक।
तो मेरे हिसाब से 45 लीटर टैंक में आता है, ऐसा कुछ दिखता है इसका रियर रियर व्यू। आपको थोड़ा मतलब आ रहा होगा श्योर, उसे इग्नोर करें थोड़ा। ये इसके रियर टेल लैंप है, जो कि इसका आपको दिख रहा होगा ना एरो एरो टाइप में, वो इसके कवर है। इसके अंदर है मतलब टेल लैंप है, यह मतलब इसके ये से इसका ये मतलब है कि यह मतलब इसको कोई तोड़ ना पाए लाइट को, या इसका इसके लिए है। और यहाँ पे स्टेपनी लगी हुई रहती है, उसको बाहर निकाल रखी है उन्होंने। और ऐसे कुछ इसके रियर सीट्स, भाई लेग रूम बहुत है इसके अंदर पीछे से भी, यहाँ से इसका लॉक खुलता है, यहाँ से प्रेस करके आराम से खुल जाता है। पर अभी पता नहीं टाइट अभी इसको लॉक कर देते हैं इसको वापस। ये इसका म्यूजिक सिस्टम मतलब बाहर से लगवा रखा है इन्होंने। और ऐसे कितना इसका और ऐसे इसकी रूप है, इस प्रकार की इसकी रूप दिखती है। और ये इधर कर्टन लगा रखे हैं, मतलब धूप ना आए इधर पीछे से। यह मेरे हिसाब से तीन छः सात आठ सीटर पास है ये जीप अभी तक। और इसमें हैंडल लॉक और दे रखा है, मतलब हैंडल लॉक तो रहता ही है ना। और इसके अंदर वो दे रखा है गियर लॉक, जो कि मैं इंटर बोल रहा हूँ, मैंने सब में देती है कंपनी। पास जाके बताऊँ क्या आपको, चलो बता देता हूँ जूम क्या करता है, पास जाके बताता हूँ। यहाँ पर इसका गियर लॉक दे रखा है, जो कि आपको दिख रहा होगा। ये इसके सीट बेल्ट है, इस प्रकार के इसके सीट बेल्ट आते हैं। ये इसका हैंडल है, ऐसी कुछ इसके लेफ्ट साइड से। बस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।